हिंद दोस्तों, 2 अप्रैल 2011 जिस दिन कैप्टन कूल ने विजय छक्का मार के खत्म किया था भारत का 28 साल लंबा इंतजार, सभी देशवासियों को अपने आंसुओं पर काबू नहीं था। साथ ही मास्टर ब्लास्टर के विश्व कप जीतने का सपना भी पूरा हो चुका था, जिसका इंतजार वो पिछले 5 वर्ल्ड कप से कर रहे थे। 2003 वर्ल्ड कप फाइनल हार के बाद सचिन के चेहरे पर जो दर्द था, उसकी जगह अब 2011 में खुशियों ने ले ली थी। सचिन युवराज और धोनी को गले से लगाकर रोने लगे थे। क्रिकेट फैंस वो मंजर आज तक नहीं भूले जहां सचिन को कंधों पर उठाकर पूरा स्टेडियम घुमाया गया था। धोनी के ऐतिहासिक छक्के ने पूरे देश को झूमने पर मजबूर किया था। तो आइए आपको लेके चलते हैं इस सुहाने सफर में, जिसको लाखों करोड़ों भारतीयों ने एक साथ जिया था, जहां क्वार्टर फाइनल्स में 3 विश्व कप जीतकर आई ऑस्ट्रेलिया और सेमीफाइनल्स में पड़ोसी पाकिस्तान को परास्त करके भारत अब विश्व कप के फाइनल में था। और अभी सपने को हकीकत में बदलने से भारतीय टीम महज एक कदम दूर थी, लेकिन यह राह अभी भी बहुत कठिन थी, क्योंकि फाइनल मुकाबले में भारत के सामने थी कप्तान संगकारा की इनफॉर्म श्रीलंका, जो इस टूर्नामेंट में सिर्फ पाकिस्तान से हार के बाद अपने सभी लीग मैचेस जीतकर आई थी। ऐसे में कॉन्फिडेंट श्रीलंका ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करके एक बड़ा स्कोर बोर्ड पर दर्ज करना सही समझा। खिलाड़ी मैदान पर उतरते हैं तो दोनों देशों के करोड़ों हाथ अपनी टीम की जीत की दुआएं मांग रहे थे, लेकिन श्रीलंका अपने ही प्लान में फंस चुका था, क्योंकि भारत की धारदार गेंदबाजी के कारण लंका का रन रेट बहुत स्लो चल रहा था। पहले 5 ओवर में मात्र 9 रन ही बनते हैं। फाइनल मुकाबले का दबाव श्रीलंकन ओपनर्स पर साफ नजर आ रहा था, और इसी का फायदा उठाया पहले जाहिर खान ने अपनी स्विंग से उपुल तरंगा को स्लिप में कैच आउट करवा के। इसके बाद हरभजन सिंह ने दिलशान को बोल्ड मार के अपना शिकार बनाया। प्रेशर अब पूरी तरह से लंका पर था, और इस प्रेशर को दूर करने अब मैदान पर एंट्री होती है दुनिया के दूसरे सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज कुमार संगकारा की, और संगकारा के साथ खूंटा गाड़ दिया श्रीलंका के पूर्व कप्तान महिला जयवर्धने ने। दोनों ने समझदारी का परिचय देते हुए पहले मैदान पर कुछ समय बिताया और अपनी आंखें जमाने के बाद दोनों ने भारत पर पलटवार शुरू कर दिया। लंका अब प्रेशर से निकलकर एक चुनौतीपूर्ण लक्ष्य की ओर अग्रसर था। सभी भारतीय समर्थकों को इस बात का एहसास हो चुका था कि अगर दोनों इसी कदर खेलते रहे तो दोनों वर्ल्ड कप की ट्रॉफी को भारत से बहुत दूर ले जाएंगे। ऐसे में भारत के लिए संकट मोचन बनकर आए इस वर्ल्ड कप के किंग युवराज सिंह और युवी ने कप्तान संगकारा को आउट करके इस पार्टनरशिप को तोड़ा। लेकिन जयवर्धन ने अभी भी लंका की उम्मीदों को लिए वानखेड़े की झुलसा देने वाली गर्मी में एक महारथी की तरह टिके हुए थे। श्रीलंका एक के बाद एक लगातार विकेट्स खो रही थी, लेकिन जयवर्धने पर माही का हर दाव व्यर्थ जा रहा था। उन्होंने एक बड़े मैच का टेम्परामेंट दिखाते हुए एक शतकीय पारी खेली, जिसकी बदौलत श्रीलंका एक मजबूत स्थिति में था। दूसरी ओर भारतीय खेमा खामोश था। वहाँ इतना सन्नाटा था कि हम एक दूसरे की सांसों की आवाजें तक सुन सकते थे, क्योंकि मुश्किलों से 200 रनों तक पहुँचती दिख रही श्रीलंका जयवर्धने के साहस के दम पर 274 रनों तक पहुँच चुकी थी, और वर्ल्ड कप फाइनल के लिहाज से ये एक विनिंग टोटल माना जा रहा था। यानी इस महामुकाबले में रोमांच बरकरार था। सभी दर्शक टीवी और रेडियो से चिपक कर बैठे थे, और विश्व चैंपियन का खिताब जीतने के लिए भारत के सामने 275 रनों की चुनौती थी, और सामने थी लंका की मारक गेंदबाजी, जिस गेंदबाजी के सबसे बड़े स्तंभ थे लसित मलिंगा, जिनका काम था अपनी टीम को अर्ली ब्रेक थ्रू दिलवाना, जो काम मलिंगा इस महामुकाबले में भी करके दिखाते हैं। और पारी के पहले ओवर की दूसरी गेंद पर मलिंगा ने सहवाग को LPW आउट करके हम भारतीयों के दिलों को चोट पहुंचाई। लेकिन अभी तो इससे भी बुरा होना बाकी था, जब पारी के 7वें ओवर में मलिंगा ने भारत को दूसरा और सबसे बड़ा झटका दिया, और मास्टर ब्लास्टर को मलिंगा ने कॉट बिहाइंड आउट करवा के मानो पूरे भारतवर्ष की सांसें छीन ली थी। वानखेड़े का ये सन्नाटा बता रहा था कि ये कितना बड़ा विकेट है। सचिन के इस विकेट से श्रीलंका पूरी तरह गेम में वापस आ चुका था, और प्रेशर अब भारत पर था। और जब सारी उम्मीदें धीरे धीरे खत्म हो रही थी तो मोर्चा संभाला गौतम गंभीर ने। मुकाबला पूरी तरह से लंका के कंट्रोल में था, लेकिन गंभीर और उनके साथ विराट ने संयम दिखाते हुए भारतीय पारी को आगे बढ़ाया। अब भारत की सोई हुई उम्मीदें इन दोनों के बीच पनप रही साझेदारी को देखकर जीवित हो उठी थी, और अब गंभीर भी अपने अर्धशतक तक पहुंच चुके थे। साथ ही भारत का स्कोर भी 20 ओवर से पहले 100 के पार पहुंचता है। भारतीय पारी थोड़ी संभली ही थी कि कोहली, श्रीलंका के एक पार्ट टाइम गेंदबाज दिलशान की गेंद पर कॉट एंड बोल्ड हो जाते हैं। सेट होने के बाद आए कोहली के इस विकेट ने भारत के लिए मुश्किलें बढ़ा दी थी। अब जैसा हमने MS धोनी मूवी में देखा है कि 5वें नंबर पर श्रीलंका को युवराज सिंह का इंतजार था, लेकिन मुरलीधरन गेंदबाजी कर रहे थे तो माही ने युवराज को रोककर खुद मैदान पर आने का फैसला लिया। ये देखकर सभी शॉक थे, क्योंकि माही ने इससे पहले इस टूर्नामेंट में कोई भी बड़ी इनिंग नहीं खेली थी। ऐसे में इनफॉर्म युवराज सिंह से पहले आने के इस निर्णय के कई लोग खिलाफ थे। भारत अभी भी जीत से 161 रन दूर था, लेकिन यहां से धोनी का हर एक शॉट, हर एक सिंगल मानो नापा तोला शॉट लग रहा था। एक छोर से गंभीर पारी को संभाल रहे थे और दूसरे छोर पर माही आक्रामक रवैया अपनाए हुए थे, और जो भारत एक समय प्रेशर में था
वो अब धीरे धीरे जीत की ओर बढ़ रहा था। माही का अर्धशतक भी आ चुका था, लेकिन उनको अपनी आंखों के सामने सिर्फ और सिर्फ वर्ल्ड कप की ट्रॉफी दिखाई दे रही थी। वहीं 100 के पार जा चुकी है साझेदारी कप्तान संगकारा और श्रीलंका के लिए एक बड़ा सरदर्द बन चुकी थी। और जब हम भारतीयों को लगा कि ये दोनों ही भारत को जीत की दहलीज पार करा ले जाएंगे, तभी गंभीर अपने शतक से महज 3 रन पहले यानी 97 रनों पर बोल्ड हो जाते हैं। हालांकि गंभीर इस महाफाइनल मुकाबले में शतक से चूक गए थे, लेकिन उनकी ये पारी भारत कभी नहीं भूलेगा। ये 97 रन उनके एक बड़े मैच के खिलाड़ी होने का प्रमाण था। गंभीर के इस विकेट ने श्रीलंका को एक छोटी सी उम्मीद तो दी, लेकिन उन उम्मीदों पर मिट्टी फेरी युवराज और धोनी ने, जिन्होंने इस मुकाबले में और कोई मोड़ नहीं आने दिया और रनगति बढ़ाकर लंका को इस मैच से पूरी तरह बाहर कर दिया। और अंत में माही के इस छक्के के साथ कमेंट्री बॉक्स में मौजूद रवि शास्त्री के वो शब्द, 28 सालों से चला आ रहा करोड़ों भारतीयों का वो सपना आज पूरा हो चुका था। बच्चों से लेके बुजुर्ग तक हर कोई सड़कों पर निकलकर जश्न मना रहा था, मानो इस रात की सुबह कभी नहीं होगी। राजधानी दिल्ली से लेके केरला तक सिर्फ और सिर्फ पटाखों की गूंज सुनाई दे रही थी। भारत का वो कप्तान आज दुनिया का सर्वश्रेष्ठ कप्तान बन चुका था, मानो समय थम सा गया था। भारतीय खिलाड़ियों ने सचिन तेंदुलकर को अपने कंधों पर बैठाकर मैदान का चक्कर लगाया। वानखेड़े का ये मैदान गवाह बन चुका था इस ऐतिहासिक पल का, और ये दिन भारतीय क्रिकेट फैंस के दिलों में आज भी ताजा है, क्योंकि 2011 वर्ल्ड कप जीत बस एक टूर्नामेंट जीत नहीं बल्कि एक ख्वाब है, जिसको हम भारतीय बार बार जीना चाहते हैं, क्योंकि इसके बाद 2015, 2019 और 2023 3 ODI वर्ल्ड कप गुजर गए, लेकिन तीसरे ODI वर्ल्ड कप जीतने की वो तलाश भारत के लिए अभी भी जारी।